हेलो फूडीज, वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल रायता। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है और इसे आप किसी पार्टी या किसी भी व्रत में खा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या इसमें चाहिएंगे इंग्रेडिएंट्स हमें। एक कप हम दही, पानी निकला हुआ दही, एक कप पाइनएप्पल छोटे कटे हुए, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चीनी, ये ऑप्शनल है। अगर आप कैन वाले यूज कर रहे हैं पाइनएप्पल तो इसमें ना यूज करें आप चीनी को। थोड़े से अनारदाना गार्निशिंग के लिए। एक बॉल लेंगे, उसमें दही ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे विक्स से। मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने कैन वाला पाइनएप्पल लिया है। और अगर आपका दही खट्टा हो, पहले ही दिन का हो, तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो मिल्क हमेशा बराबर करता है, खटासपन को एडजस्ट कर देता है दही में। काफी गाढ़ा है, इसे पतला करने के लिए कैन में से जो जूस निकलता है वो काफी मीठा होता है पाइनएप्पल का। तो पाइनएप्पल में इसमें अगर ऐड करेंगे जूस को तो और फ्लेवर देगा। तो मैं हाफ कप करीबन इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स हो गया, इसमें हम पाइनएप्पल ऐड करेंगे। इसमें ज्यादा इसको पतला ना करें बिकॉज पाइनएप्पल भी थोड़ा पानी इसमें छोड़ता है। इसे हम प्लेटिंग करेंगे। ये रेडी है, थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हम पाइनएप्पल से ऊपर में। थोड़े अनारदाना डाल देंगे, इसे थोड़ा कलरफुल और वाइब्रेंट कर रहा है। और ये रेडी है सर्व करने के लिए। ठंडी ठंडी से सर्व करें, इसे फ्रिज में रख दे सर्व करने से पहले करीबन आधे से एक घंटे के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।